Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exercise 1.4 और question number है 1. Question number 1 में हमें कहा गया है Determine the left hand limit and right hand limit and then find limit of the following function when x approaches to c. ठीक है, question number 1 क्या part 1 हम करते हैं. Part 1 में हमें एक function given है जो कि है f of x is equal to 2x square plus x minus 5 और जबकि c की वैल्यू भी गिवन है c is equal to 1. तो हमने इस फंक्शन की f of x is equal to 2x square plus x minus 5 इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और फिर लिमिटिंग वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है. ठीक है, एट x अप्रोचेस टू c, मतलब कि c की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो हमने लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस टू 1 इस फंक्शन की. ठीक है, तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसे कहा जाता है, राइट हैंड लिमिट किसे कहा जाता है, तो उसी तरह से आप इस c इज इक्वल टू 1 मतलब कि x अप्रोचेस टू 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. लिमिट पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी. सी जो है उसकी वैल्यू 1 है. ठीक है, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट है इसके लिए हम यहाँ पर इसके ऊपर माइनस का साइन लगाते हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड इस माइनस का मतलब ये होता है कि इससे कम वैल्यूज़ से हम अप्रोच करेंगे 1 की तरफ. ठीक है, मतलब कि लेफ्ट साइड से हम 1 की तरफ आएंगे. तो ये बन गया लेफ्ट हैंड लिमिट ऑन दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स. तो f of x is equal to limit x approaches to 1 from left side और फंक्शन क्या है 2x square plus x minus 5. तो ये बन गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट. अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. वैल्यू फाइंड करने के लिए ये लिमिटिंग वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे. ठीक है, x जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम पुट कर देंगे. तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 5. तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5. तो इसको सॉल्व करने से 2 प्लस 1 इज 3, 3 माइनस 5 इज माइनस 2. तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस 2. f of x is equal to minus 2. तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू. ठीक है, अब हम इसके बाद राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. राइट हैंड लिमिट के लिए जिस तरह से हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया था उसमें हम प्लस साइन लगाएंगे तो राइट हैंड लिमिट बन जाएगी राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड के लिए प्लस होता है. ठीक है, और फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5. तो ये इस पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं. तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 आ जाएगा. तो इसमें हम पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 और इसको सॉल्व करने से हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो वो बन जाएगी माइनस 2. ठीक है, चूँकि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है. राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये हमारे पास है राइट हैंड लिमिट की वैल्यू. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी माइनस 2 थी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी माइनस 2 आई है. तो उसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो जब जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में बात की थी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, दोनों की वैल्यूज इक्वल आ जाएँ, उसका क्या मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट. ठीक है, इस फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है.
जब के सी की वैल्यू 1 हो तो। अच्छा अब इसके अलावा हमें क्या कहा गया था, हमें कहा था देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। तो अब हमने सिंपल ना लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है ना राइट हैंड लिमिट, बल्कि हमने उसी वैल्यू पे जो हमें सी की वैल्यू दी है इज इक्वल टू 1, जो है सी इज इक्वल टू 1, उसी पे हमने लिमिट फाइंड करनी है इस फंक्शन की। तो जैसा पहले तो हमने ये चेक किया कि ये लिमिट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए थी राइट हैंड लिमिट के, तो वो तो हमने देख लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो वो आ चुकी है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो उससे हमने कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हम उसी वैल्यू पे हम चेक कर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और फंक्शन क्या है 2x² प्लस एक्स माइनस 5। तो इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं 2 × 1² प्लस 1 − 5, ये बन जाएगा 2 + 1 − 5, जो कि दोबारा से वैल्यू आ रही है -2। तो ये हमारे पास आ गई लिमिट की वैल्यू, ठीक है। जब हमने लिमिट पुट की इस फंक्शन में x अप्रोचेस टू 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो है -2, यही हमने फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स जो हैं बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे हम, हमें सी की वैल्यूज़ गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, तो उससे हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करिए, और फिर हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों की वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू वैल्यूज़ इक्वल नहीं आती, उसका मतलब क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो लिमिट की वैल्यू भी नहीं आएगी आपके पास। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो देखें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में, इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में हमने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूटी में क्या होता है कि एक लिमिट, दो बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये होता है कि लिमिट शुड एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट शुड एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एक तो ये हो गया, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि फंक्शन के ऊपर हम अगर लिमिट अप्लाई करें, यानी कि वही जो एग्जिस्ट करने वाली जो वैल्यू आती है, लिमिट जिस पे एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, उस पे जो लिमिट की वैल्यू आती है, मतलब कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, फंक्शन के ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल आनी चाहिए उस फंक्शन की वैल्यू के ऊपर जो कि एक गिवन इनपुट पे होगी, ठीक है। इनपुट वही हम सी को यूज़ करेंगे जो कि लिमिट हम इस पे अप्रोच कर रही है, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू सी है। तो ये लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की कौन सी वैल्यू एट सी इनपुट, ठीक है, जिस पे हम लिमिट अप्रोच करा रहे हैं, सही है। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए तब जाके हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में हमें एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, और 4x + 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। पीस वाइज फंक्शन है ये, इसका मतलब ये क्या है कि इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जब एक्स की वैल्यू 2 से लेस या इक्वल होगी तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 2x + 5, ठीक है, और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, मतलब कि 2 से ग्रेटर देन की हम बात करें होंगे वैल्यू के, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे,
तो इसलिए इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, दो पीसेस में ये डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक तो एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2 के लिए अलहदा से फंक्शन है, और एक एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए अलहदा से फंक्शन है। तो हमने कंटिन्यूटी इस फंक्शन की डिस्कस करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है वो चेक करेंगे। तो एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चाहिए होगी हमें, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू और नेगेटिव, सही है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के का साइन होता है, नंबर के ऊपर हम माइनस का साइन डाल देते हैं, और एफ ऑफ एक्स। अच्छा, तो मतलब कि टू को हमने लेफ्ट साइड से हमने अप्रोच करना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या होता है कि टू से कम वैल्यूज़ होनी चाहिए। इस तरह से था ना जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू टू है, अगर एक्स इज इक्वल टू टू है तो यहाँ पर लिमिट कहाँ से अप्रोच करी होगी, लेफ्ट साइड से, यहाँ से अप्रोच करी होगी टू को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, सारी टू से लेस वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कोई एक वैल्यू भी बड़ी नहीं है। मतलब ये कहने का है कि टू को अप्रोच करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली टू के बराबर भी नहीं होगी वैल्यू, ठीक है, हमेशा टू से थोड़ी कम ही होगी, ठीक है। तो ये हम अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसके लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, एक्स इज़ लेस देन टू, ठीक है। लेस देन टू के लिए फंक्शन कौन सा है, एक्स इज़ लेस देन टू के लिए फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे हम, तो 2x+5, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो टू से लेस वैल्यूज़ कौन सी हैं, एक्स लेस देन टू के लिए फंक्शन ये है, तो हम ये फंक्शन लिखेंगे 2x+5। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 2 × 2+5, 4+5 इज़ 9, ठीक। तो इसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो बनी है वो है 9। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड के लिए प्लस का साइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑन एफ ऑफ एक्स उसी फंक्शन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ देखें, राइट हैंड लिमिट की जब हम बात करते हैं तो टू को हम क्या अप्रोच करेंगे, कहाँ से अप्रोच करेंगे, राइट हैंड साइड से। तो राइट साइड से देखें ये ग्राफ जिस तरह से एक्स वाई प्लेन में मैंने बनाया, कि इस टू को पहले हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट बन गई। अब इसी टू को हम जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे, मतलब यहाँ से अप्रोच करेंगे, तो ये राइट हैंड लिमिट बनेगी, ठीक है। तो राइट साइड पे देखें टू से ग्रेटर वैल्यूज़ बनती हैं, ठीक है, मतलब कि एक्स ग्रेटर देन टू ये सारा बनता है। तो एक्स ग्रेटर देन टू के लिए फंक्शन कौन सा है, 4x+1, ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो 4x+1 यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला फंक्शन बन जाएगा 4x+1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन टू के लिए, लेस देन टू वाला फंक्शन हमने यूज़ किया था, ठीक है, एक्स इज़ लेस देन टू, तो उसके लिए फंक्शन ये था, सही है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, तो उसके लिए फंक्शन 4x+1 आया। अच्छा, अब इसको हम लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा 4 × 2+1, 6, 4 × 8, 8+1 इज़ 9। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास 9 आ चुकी है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास 9 थी, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये आ जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसका मतलब ये होता है लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, देयर फोर लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा, तो पहली चीज़ तो हमने वेरीफाई कर ली, पहला पॉइंट जो था कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है, ये कंटिन्यूटी की कंडीशंस थी, कंटिन्यूटी की कंडीशंस थी, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये पॉइंट तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि एट लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट वैल्यू, ठीक है, एट दैट गिवन वैल्यू। तो ये हम सेकेंड पॉइंट चेक करते हैं, पहले तो हम लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है, एट गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू 2 है, तो हम पहले वो चेक करते हैं।
तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर पहले हम माइनस और प्लस लगाते थे, वो किस लिए थी, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ हम सिंपल जो है लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ पर देखें एट एक्स इज इक्वल एट एक्स अप्रोचेस टू 2, एट एक्स अप्रोचेस टू 2 का क्या मतलब है कि देखें, अब लिमिट की वैल्यू हमने जब एग्जिस्टेंस पे बात की थी पिछले क्वेश्चन में, तो वो क्या थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल आ जाते हैं वही लिमिट की वैल्यू हो जाती है, उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाते हैं तो वही फंक्शन की लिमिट की वैल्यू बन जाती है, सही। तो ये भी 9 था, ये भी 9 था, तो ये हम इस यहाँ से कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। दोनों इक्वल टू 9 हैं तो लिमिट फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू होगी वो भी 9 ही होगी। यहाँ से फंक्शन की लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू एट 2 इनपुट 2, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 2, ठीक है। फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स, तो हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 2, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू एट इनपुट 2। तो एट इनपुट 2 क्या वैल्यू बनती है, एक्स इज इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन पे हम आते हैं, फंक्शन जो हमें गिवन है ये हमारे पास ये फंक्शन है। अब यहाँ पर देखें एक्स इज इक्वल टू 2 कहाँ पर डिफाइन होया हुआ है, ये है एक्स ग्रेटर देन 2, ये है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब कि या तो एक्स लेस देन हो या फिर इक्वल टू 2 हो, इक्वल टू 2 की बात यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन डिफाइन कौन सा होया हुआ, 2x+5, ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो 2x+5 हम यूज़ करते हैं फंक्शन, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2x+5, ठीक है। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने इनपुट 2 यूज़ की है तो यहाँ पर एक्स की जगह 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 2 4 + 5 = 9, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 9 आ चुकी है, सही है। तो यहाँ से देखें लिमिट की वैल्यू क्या थी, वो है 9, सही है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ये देखें कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट इनपुट, यानी कि जो दूसरा पॉइंट था वो भी हम वेरीफाई कर चुके हैं, दूसरा पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द इनपुट, ठीक है। तो ये भी हम वेरीफाई कर चुके हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स जब वेरीफाई हो चुके हैं उसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हम अब कह सकते हैं दस फंक्शन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर इन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी वेरीफाई ना होता तो ये फंक्शन कंटिन्यूस ना होता। इस तरह से हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल सेम हैं, ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इसमें भी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हमें पीस वाइज फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2, और फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर -1 इफ -2 इज लेस देन एक्स लेस देन 2, और साथ में थर्ड वन है 3 वैल्यू है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन है, और हमें कहा गया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। एक तो हमने 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की और -2 पे। पहले हम एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे।
तो कंटिन्यूटी जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने चेक किया कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं, ठीक है, लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, एक्स की वैल्यू क्या है, टू, एक्स अप्रोचेस टू टू फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू फ्रॉम लेफ्ट साइड. फंक्शन अब कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट लिमिट के लिए लेस वाली हम जो है वो यूज़ करेंगे फंक्शन, मतलब कि एक्स जहाँ पर लेस देन टू होगा. एक्स लेस देन टू कहाँ पर आ रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, ये एक्स इज़ लेस देन टू, ये जो है वैल्यू हम यूज़ करेंगे, ठीक है. एक्स लेस देन टू के लिए ये डिफाइन होया हुआ है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन. अब इसमें हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, टू है जो कि वो हम पुट कर देते हैं, टू का स्क्वायर माइनस वन, मतलब कि फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री. तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है थ्री, ठीक है. इसी तरह से हम अब राइट हैंड लिमिट पर आते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड के लिए प्लस आ गया, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखें राइट हैंड लिमिट के लिए हम एक्स इज़ ग्रेटर देन टू वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है. एक्स इज़ ग्रेटर देन टू कहाँ पर आ रहा है, कौन सा डिफाइन होया हुआ है, ये है एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, ठीक है, मतलब कि या ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू टू हो. तो ग्रेटर देन के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन होया हुआ है जो कि इक्वल है थ्री के, तो हम ये यूज़ करेंगे थ्री, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू फ्रॉम राइट साइड और फंक्शन क्या है थ्री, तो इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल इंक्लूड नहीं है, एक्स वेरिएबल इंक्लूड नहीं है जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इसी तरह से थ्री वैल्यू आ जाएगी. तो ये आ चुकी है हमारे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, ठीक है, जो कि थ्री है. अब आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने फाइंड की थी उसकी वैल्यू भी थ्री थी, ठीक है, और जो अब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड की है वो भी थ्री है, तो जिसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सही है. तो इससे हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट. सही, अच्छा, अब एग्जिस्टेंस तो कर ली हमने, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो एक तो पहला पॉइंट हो गया एग्जिस्टेंस का. अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि लिमिट की वैल्यू क्या होगी. तो जैसा लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है, इज़ इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू ऑफ फंक्शन. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू थ्री आ चुकी है, और यही वैल्यू होगी लिमिट की, ठीक है, ऑन दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स. ये आ चुकी है लिमिट की वैल्यू, ठीक है, फंक्शन के ऊपर एक्स अप्रोचेस टू जब हमने अप्लाई किया. तो अब हमने फाइंड करनी है फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू टू, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू टू, मतलब कि टू जो है वो एज अ इनपुट हम यूज़ करेंगे फंक्शन के अंदर. तो एफ ऑफ टू किसके इक्वल होगा, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू टू कहाँ पर होगा फंक्शन, एक्स इज इक्वल टू टू ये है, ठीक है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है थ्री है, तो वो हम डायरेक्टली इसी तरह लिखते थे एफ ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री. तो इसको इक्वेशन नंबर अगर हम थ्री कह दें और इसको इक्वेशन नंबर फोर कह दें, तो इक्वेशन नंबर थ्री और फोर से हम ये देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं, ठीक है, मतलब कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू ऑन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, सही है. तो ये दोनों भी इक्वल आ चुके हैं, तो फिर हम कह सकते हैं दोनों पॉइंट्स हमारे वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है. पॉइंट वन जो एग्जिस्टेंस हमने चेक की, और दूसरा ये कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट इनपुट. तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो यही क्वेश्चन नंबर थ्री में एक्स अप्रोचेस टू टू के लिए, मतलब कि सी की वैल्यू जो है जब टू है उसके लिए हमने फाइंड किया, ठीक है. अब हम एक्स इज इक्वल टू माइनस टू के लिए फाइंड करते हैं, एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू.
एक्स इज़ इक्वल टू माइनस टू, उसके लिए हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो पहले तो हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू फ्रॉम नेगेटिव माइनस टू फ्रॉम नेगेटिव साइड, सही है, मतलब कि लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस टू फ्रॉम लेफ्ट साइड। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी, माइनस टू को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से, मतलब कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब यह है x इज़ लेस देन माइनस टू, वो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमें फंक्शन गिवन है उसमें हम देखते हैं x इज़ लेस देन माइनस टू कौन सा होगा। x इज़ लेस देन माइनस टू के लिए फंक्शन 3x है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हम इसके लिए यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, 3x आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 इंटू माइनस टू इज़ इक्वल टू माइनस सिक्स, सही है। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास माइनस सिक्स। अच्छा, अब हम इसी तरह से राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड के लिए ये प्लस साइन शो कर रहा है, ठीक है, ऑन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब देखें राइट हैंड लिमिट के लिए, जिस तरह हमने पहले भी बात की, फ्रॉम राइट साइड करना है चेक, ठीक है। तो राइट साइड का मतलब एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस टू होना चाहिए, वो वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे। एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस टू कहाँ पर है, एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस टू यहाँ पर, इन तीनों में से ढूंढेंगे। एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस टू ये यहाँ पर डिफाइन आया हुआ है, ठीक है। उसके लिए फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन फंक्शन हम यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अच्छा, अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस टू का स्क्वेयर प्लस माइनस वन, माइनस टू का स्क्वेयर माइनस वन, तो ये बन जाएगा फोर माइनस वन इज थ्री। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है माइनस थ्री आ चुकी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास सिक्स थी, माइनस सिक्स थी, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है थ्री। तो यहाँ से दोनों की वैल्यूज़ अगर देखें तो इक्वल नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये पहला पॉइंट ही इसका जो है वेरीफाई नहीं हो सका। तो दोनों, हमने कहा था कि दोनों पॉइंट्स में से कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दोनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी जो है वो वेरीफाई ना हो सके, ठीक है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। तो हम यहाँ से ही कह सकते हैं, पहले पॉइंट से ही हम ये कह सकते हैं कि यही पॉइंट हमारा जो है वेरीफाई नहीं हो सका, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, जबकि हमने चेक किया था एक्स इज इक्वल टू टू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस था, सही है। तो इसी तरह से कंटिन्यूटी हम फंक्शन की चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री ख़त्म होता है। तो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।